ये जो लोकल कल्चर है ना हमारा, जिसमें मैं और आपकी अम्मी और मेरी अम्मी अपने अरमान पूरे करना चाहती हैं। हाँ, तो अरमानों की बोझ में है ना आप सब लड़कियों को अपने लहंगे का कलर कैसे पता है? जो शादी में पहनने आपने अपनी। Who started this game? 12-12 साल की बच्ची अपने लहंगे की डिजाइनिंग के ऊपर तैयारी हो रही। गोल रोटी बनाने आ गई है बेटा, अभी नहीं आई। असली कहानी वो है, ये डिग्री शिग्री नहीं काम आनी। एक साहबी उमर खत्ताब से बात कर रहे हैं, किधर आके पाकिस्तान बॉर्डर पे। कभी सोचा नहीं आपने, इतनी उम्र हो गई है, क्या उम्र की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, पाकिस्तान पे क्यों नहीं थी? आपको पता है हजरत उमर की बाउंड्री पाकिस्तान पे लगती थी आगे। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू हमना एंड मुशर्रफ राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक, क्योंकि सेंटर में दाऊद है मेरे पास। सो आई एम ओनली टॉकिंग टू दीज थ्री पीपल, बाकी सब रिलेट करें इनसे। ओके, अभी बताए 25 साल का तो कोई नहीं इधर ना है, कोई होगा अभी तो कौन बताएगा ना। अच्छा, पिछली जनरेशन में ना पाकिस्तानी एक कल्चर में असूल था कि जब कोई लड़की अपनी एज बताएगी तो 4 ऐड कर देना आप। बेफॉर्मिंग लेट जमा कराते थे, पता है? नहीं नहीं, अभी बदल गया, अभी बदल गया, ये पिछली जनरेशन में होता था। सो जी 22 साल 21 ओके 22 ओके, सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम 18 टू 22, दैट्स द रेंज, दैट्स हाउ वी हिट स्वीट स्पॉट इज 20 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी लड़की। पाकिस्तान इस्लामाबाद के सारे आप नो चलो no? So, कैसा लगा मेरा गांव अभी इस्लामाबाद में ना? हाँ हाँ, मतलब मैं तो लोकल हूं ना, तो इसलिए मुझे तो आई वेलकम यू ऑल। एक अजीब और गरीब आइडेंटिटी है इस्लामाबाद की, यहां पे हम रेड लाइट पे गाड़ी रोक लेते हैं। या किसी और शहर में ऐसे होता नहीं, और इधर गाड़ी को रास्ता दे देते हम। अजीब बेवकूफ लोग हैं इधर इस्लामाबाद के, कॉम्प्लेक्स है। पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं तो रास्ता देते हैं, हैदराबाद क्रॉस करते हैं तो फिर रास्ता नहीं देते। आइडेंटिटी क्राइसिस से कहते हैं। अच्छा, ये ताली कल्चर बंद, यस बता रहा हूं, बेस पे खराब की हुई हम सबको। बचपन से ज्यादा था आपको ताली बजाओ, क्यों ताली बजाओ भाई? कोई बंदर नाच रहा हो तो बनता है, बंदर को खुश कर रहा होता है, बंदर दोबारा नाच रहा है। इंसानों की जरूरत ताली, जरा सोचिए इंसान को क्या जरूरत है ताली की? कोई जवाब दे मुझे। अप्रिशिएट कर रहा है सर, मुंह पे तारीफ करते हैं, ये भी मना है अल्लाह की तरफ से। मुंह पे तो तारीफ करने के खिलाफ है हदीस। आप 50,000 बंदे मिलकर मेरे मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो यहां आया तो मोमिन था, जाऊंगा फिरौन। सोचे तो सही, बेसिस तो क्लियर करें ना अपनी। अभी मैं आता हूं साइंस खोलूंगा, इस वेयर साइंस बताऊंगा आपको, इसके बाद एटलीस्ट आधे साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे आप। सबसे पहले जाके अम्मी को शिकार करेंगे आप भी, आप अबू को, मगर अबू शिकार होते नहीं ना, तो आप तो अकेले में पकड़ लेते ना अम्मी को। मसला असल में घर से शुरू हुआ है, यहां पे तो कि हमने उस मसले की पीएचडी करनी होती है। द रियल प्रॉब्लम इज विद द पेरेंट्स एंड दैट्स नॉट अ सोल्यूशन आई कैन गिव इन 1 आवर। मसला इतना बड़ा है कि 1 घंटे में सॉल्व नहीं हो सकता, मेरे पास 1 घंटा है। ओके, ये 70 साल पहले का मसला नहीं है। दिस प्रॉब्लम दैट यू गाइस आर सफरिंग फ्रॉम इज नॉट अ 70-year-old प्रॉब्लम। सो डोंट से ओ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लव अभी यूज नहीं करेंगे आप। इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर वी सफर फ्रॉम, दैट्स अ 4,000-year-old प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम। व्हाई डिड आई से 4,000? कोई एक बंदा बताए, 4,000 का लफ्ज कहां से आ गया मेरे दिल में? बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इस बारे में बात क्लियर नहीं होगी। कौन है ये? जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली, हिंदुइज्म का क्या ताल्लुक है 4,000 साल? जो मेरा सवाल उस पर रही, दिस इज अ 4,000-year-old प्रॉब्लम। वाई 4,000-year-old प्रॉब्लम? एंड someone इज गोइंग टू कम एंड टेल यू इट्स अ 70-year-old प्रॉब्लम। पाकिस्तान 70 साल पहले बना ना, इसलिए इट्स नॉट अ 70-year-old प्रॉब्लम।
is a 4,000 year problem that you and I suffer from. Yeah. ये जो लोकल कल्चर है ना हमारा, जिसमें मैं और आपकी अम्मी और मेरी अम्मी अपने अरमान पूरे करना चाहती हैं। हाँ, तो अरमानों की बोझ में है ना आप सब लड़कियों को अपने लहंगे का कलर कैसे पता है? जो शादी में पहनने आपने अपनी। Who started this game? 12-12 साल की बच्ची अपने लहंगे की डिजाइनिंग के ऊपर तैयारी हो रही। गोल रोटी बनाने आ गई है बेटा, अभी नहीं आई। असली कहानी वो है, ये डिग्री शिग्री नहीं काम आ रही, सीवी है वो आपकी। आइडेंटिटी क्राइसिस की क्लास में आ गई आप। यस, आपको अगर पता है ना मैं क्या कह रहा हूं तो बस समझ आ गई हम सबको। जो ये सोचे सर ये क्या मतलब है गोल रोटी, ऐसा तो कोई नहीं है ना। सोचे जरा, गोल रोटी बनानी आपने और डिमांड इनकी पहली क्रिएट हो चुकी है ये लड़की बैठी में। कैन यू बिलीव इट? वही तो कह रहा, अम्मी अम्मी है हमारी, रास्ते में अम्मी आ गई पाकिस्तान के और हिंदू राज के और पाकिस्तान के अम्मी। नो नो, इट्स नॉट जस्ट अम्मी, इट्स नॉट जस्ट, मगर द प्रॉब्लम इज 4,000 ईयर ओल्ड। एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया की हर सिविलाइजेशन ने छोड़ दी, और वो था अपना पुराना इनहेरिटेड कल्चरल सिंड्रोम। हर सुमेरियंस ने, 16,000 साल पुराने सुमेरियंस ने छोड़ दिया। अभी कहां है सुमेरियंस, क्या करते हैं सुमेरियंस पता आपको? सुमेरियंस पता, समर्रा पता, नाम सुना समर्रा? बाबल, या बाबल से पहले समर्रा, एकेडियंस के बाद सुमेरियंस, विच इज द डिबेट के पहले कौन था। चले अभी वो कोशिश, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता है? वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो इराकी है। कुछ भी सुमेरियन सिविलाइजेशन के नहीं बचा। ओके, मायंस को ले लें, मायंस ब्राजील में थे, क्या करें वो भी कुछ भी नहीं करे। एक्चुअली अभी तक पता नहीं चला मायंस अचानक 24 आवर्स में किधर गायब हो गए। चले वो तो चले गए, वो किसी ना किसी स्पेसशिप में चले गए, बिल भी गई स्पेसशिप पर। हम लोग वो वाहिद हैं जो 4,000 साल से वही हरकतें करतूत करते आ रहे हैं, लिटरली सेम। उसका सबूत बताऊं, एज फार एज 1400 years ago, एक हमारे पास लिटरेचर मिल गया हमें जो कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था मेरे सक्कर दादा और आपके सक्कर दादा के बारे में, हजरत उमर बिन खत्ताब को, कि या अमीरुल मोमिनीन इधर जाऊं या ना जाऊं। उमर बिन खत्ताब ने खत पढ़ा, उन्होंने कहा क्यों, क्या मसला है, इधर जाऊं ना जाऊं क्या मतलब। फिर उन्होंने 19 निशानियां बताई हमारे आबाओ अजदाद की। वो निशानियां बताओ आपको, मफहूम बताता हूं ना। क्या नाम बेटा आपका? नूरुल्लाह। उन्होंने बताया, एक साहबी उमर बिन खत्ताब से बात कर रहे हैं, किधर आके पाकिस्तान बॉर्डर पे। कभी सोचा नहीं आपने, इतनी उम्र हो गई है, क्या उमर की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, पाकिस्तान पे क्यों नहीं थी? आपको पता है हजरत उमर की बाउंड्री पाकिस्तान पे लगती थी आगे? जी नहीं, अफगानिस्तान हजरत उमर के अंदर था, खुरासानियों ने हजरत उमर पे बैत की है। अटक तक हजरत उमर आए, अटक तक, आपको नहीं पता पाएगा, अटक तक दरियाए सिंध तक हजरत उमर की हुकूमत थी, और दरियाए सिंध के इधर इधर मेरे और आपके मोहल्ले में जैसे हमने नहीं आना। यू नो व्हाट ही रोट, आई हैव बिगर हेडेक्स टू डील विद। लकीर खेच नॉर्थ की तरफ रुक कर, और पूरा रशिया मुसलमान हुआ, समरकंद, बुखारा, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। यस, ये कहां से स्थान हो गए? ये अबू उबैदा बिन जर्राह ने की। ऊपर क्यों चले गए, सीधा क्यों नहीं आए? बिकॉज उन्होंने बताया कि ये लोग करते क्या हैं। पढ़ें तो सही जरा वो खत। दैट्स द प्रॉब्लम। व्हेन आई कम टू दीस आवर सेशंस, आई एम थिंकिंग ओके, इज देयर अ डिफरेंशियल? नो नो, देयर इज नो डिफरेंशियल। नूरुल्लाह, पहली निशानी, लड़की महफूज नहीं, इधर गली में निकलेगी पूरा मोहल्ला चपट लेगा उसको। आप बताएं, फील होता है आपको? यस, 4,000 साल पुराना मसला है, 4,000 साल पुराना। टोल लगाते हैं हर जगह पे हर चीज की। यस, कौन सा प्रोफेसर के साथ किसकी अच्छी चल रही है सबको पता है।
इसको तो गोल्ड मेडल मिला ही मिला, पहले से पता है। यस, अबू उबैदा बिन जर्राह 1400 साल पहले आपकी सकर नानी और मेरी सकर नानी के बारे में बयान कर रहे हैं। सो लड़की भी महफूज नहीं है, ओके, नहीं महफूज, बंदा भी महफूज नहीं है। एक बंदे को अगर छोटी सी भी सोटी मिल जाए वो अपने से कमजोर को मार देता है, समझ रहे? प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है, गुजरते गुजरते को हल्का सा भी चाट देंगे कि बेटा यहां पे जरा देखना कोई अंदर ना आ जाए, उसने डंडा पकड़ के हरे को मारना शुरू कर देना कि अब तो मेरे पास थोड़ी सी ताकत आ गई, अपने से कमजोर को सप्रेस कर दो। यस, अभी भी हो रहा है। किधर किधर से जाके पकड़ू वो खत को कि कोई एक चीज छोड़ दी हमने, रेप कल्चर जो कि अरब में नहीं था, यहां पर उन्होंने पहली दफा आके देखा था, ये कैसे हो सकता है? गैंगरेप्स होते इधर, अरब को पता ही नहीं था गैंगरेप का कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखे कि ये कैसे एक इंसान इस सत्ता पर जा सकता है। यस, सो ज्यादा लंबी मैं तमीज नहीं बांधूंगा आपको, खाली बता रहा हूं मसला 4000 साल पुराना है। ओके, द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद माय लास्ट टू जनरेशन इज दे कुड हैव स्टॉप्ड इट, दे कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। यू नो व्हाट दे डिड? दे एनहांस्ड इट, दे ग्लैमराइज्ड इट, दे ग्लैमराइज्ड इट सो मच कि आजकल एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ना कूल समझना शुरू हो गया। हैरत है, अंदर की फितर आप फिर भी चीख मारती है कि उसकी बहन कोई हाथ पकड़े तो कूल क्यों नहीं होता भाई वो लड़का। आइडेंटिटी क्राइसिस, देखिए कूल की डेफिनेशन सिर्फ मेरे लिए वो खास जगह के ऊपर, इस स्क्वायर के अंदर मैं कूल हूं, बस इस स्क्वायर पे नहीं नहीं, नहीं स्कूल गुना उसे सलाह दें सर, तो यहां पर, लेकिन यहां पर आप क्यों कूल है? फिर सोचें ना सही, वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग? आपकी उम्र में मेरे पास आके कोई बंदा इस तरह की बात कर जाता ना तो 20 साल बच जाते मेरे, और 20 साल ना बचते कम से कम 100 मोहल्ले बच जाते, कम से कम 500 गलियां बच जाती कि जहां पे खवातीन महफूज समझती मेरे गुजरने से अपने आप को। यस, मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं उधर टाइम पे जाता कि भाई कमिटमेंट की हुई है मैंने इधर। मोमिन सब कुछ हो सकता है, बद अहद नहीं हो सकता, कमिटमेंट करके आया हूं इधर, पैसे ले रहा हूं इस काम के। आपको पता है आपकी जनरेशन के बारे में पहले से फोरकास्टिंग हो चुकी है कि ये किसी काम की नहीं है। बताता हूं उसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी लग चुकी है आपका, टाइटल लगा हुआ है। तमाम कॉर्पोरेट्स ने फ्रेश ग्रेजुएट्स को बैन करना शुरू कर दिया कि पहले इनको 2-2 साल इंटर्नशिप करवाओ। आपको पता है 3-3 हफ्ते के इंटर्नशिप को हम परमानेंट जॉब पे हायर करते थे। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन टेलीकॉम जिसने पहली दफा जोंग में था, मैं यहां पे आता था उस वक्त, कि फ्रेश ग्रेजुएट मैं नहीं ले रहा। आप लोगों का नखरा आपके उसूलों को काउंटर करना शुरू हो गया। नखरा होना चाहिए, ईगो है आपका भाई, कोई एस्टीम होनी चाहिए, बट असूल काउंटर कॉन्ट्रडिक्टरी टू योर प्रिंसिपल हो रहा है, और प्रिंसिपल मेरे और आपके एक ही है, क्योंकि सही आपका भी सही है, सही मेरा भी सही है, गलत आपका भी गलत है, गलत मेरा भी गलत है। अच्छे बोले के ऊपर बहस हो सकती है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती, आपको बिरयानी नहीं अच्छी लगती, मुझे अच्छी लगती है, मगर सही गलत हम दोनों का एक जैसा ही है। झूठ बोलना गलत है, किसी के ऊपर जुल्म करना गलत है, कह के कि मैं कर दूंगा ये काम ना करना गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने अंदर फितरत में डाला हुआ मेरे, दिस इज द गोल्डन रूल। चार ऐसी हदीसें जिनको कहते हैं 4 लाख हदीसें एक तरफ, और ये 4 हदीसें एक तरफ, उनमें से एक हदीस ये है कि डू वन टू अदर्स व्हाट यू आर अंडर अदर्स टू डू वन टू यू। आप मोमिन अपने भाई के लिए सिर्फ वही चीज पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है, और अपने लिए अपने भाई को वो चीज कभी नहीं देता जो अपने लिए पसंद नहीं करता। यस, इसको फेयरनेस का मीटर कहते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटी ह्यूमन बींग की दो चीजों के ऊपर थी, एक रहम और एक इंसाफ। ये आपको ब्राजील में भी मिलेगा, चिली में भी मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, फिलीपीन में मिलेगा, मिलना पाकिस्तान में भी चाहिए था। नहीं नहीं, मिलता कहीं ना कहीं तो मिलेगा, अंदर की तो आवाजें हैं ना, अपने अपने लिए तो हम हैं, अपने अपने लिए तो हम, अपने घर वालों के लिए तो हम मोमिन है। यू अंडरस्टैंड मी? सो द रियल फितर, अल्लाह की फितर तो नहीं बदलती ना, द रियल आइडेंटिटी वॉज एवरी ह्यूमन बींग गॉट दैट आइडेंटिटी, कि ये दो चीजें नहीं हिलने वाली आपकी, जहां मर्जी पैदा कर दूंगा तुम्हें,
जिसके मर्जी घर जिस मर्जी मजहब में चले जाओगे आइडेंटिटी तेरी नहीं बदल दूंगा, तेरी अंदर की फितरा की आवाज तुझे आएगी आएगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में बता दिया कि हर बच्चा अल्लाह की फितरत से पैदा होता है। आगे आइडेंटिटी क्राइसिस कहां पे आती है, हदीस पूरी सुन ले, कहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पैदा तो वो हर बच्चा अल्लाह ही की फितरत पे होता है, ब्रैकेट में मुसलमान पैदा होता है क्योंकि अल्लाह के यहां से इस्लाम है, मगर अब उसके मां बाप उसको यहूदी बना दें या नसरानी, ये हदीस है पूरी, पता ना सुनिए। तो यहूदी और नसरानी की क्यों चॉइस की नबी अलैहिस्सलाम ने, सोचे जरा उस वक्त का इस्लाम, आज वाला नहीं, नबी अलैहिस्सलाम खुद इशारा फरमा रहे हैं कि वो यहूदी बनाए या नसरानी। अब तो बाइबल इकट्ठी हो गई है ना, पहले यहूदी और नसरानी एक दूसरे को देखते ही मार देते थे, समझ रहे। जब नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम की आयात सूरह मरियम सुनानी शुरू की तो किसको गुस्सा आया था, यहूदियों को आया था जाहिर है। तो अब हदीस का मतलब समझने, आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होती है, क्या मां बाप उसको यहूदी बनाए या नसरानी के टोटल एक दूसरे के ऑपोजिट बनाने की ताकत है मां बाप में, या वो ब्लैक कर देंगे या व्हाइट कर देंगे। फितरा से हटाना मां बाप का काम होता है, याद रखना। और साथ ही उन्होंने बता दिया नबी अलैहिस्सलाम ने कि जिसने मेरी नहज पे गर्ज ना दो बेटियों को या एक बेटे को बालिग कर दिया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। ये दोनों हदीसें इकट्ठी करें आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फितरा, ब्राजील वाले तो हदीसें पढ़ के नहीं करते ना, जब आप दुबई एयरपोर्ट पर जाते, चले वो तो मुसलमानों का सो कॉल्ड मुसलमानों का मुल्क है, हीथरो एयरपोर्ट पर तो नहीं इस्लाम आया ना, वहां पर क्यों फितरा की आवाज प्रैक्टिस की जा रही है कि नहीं नहीं ये लाइन बना के खड़े हो, सबके साथ फेयरनेस से काम होगा, जो चीज गलत आपको बेच दी गई है वापस कर लेंगे हम, उन्होंने हदीस पढ़ के असूल निकाला है, नो, बेसिक एम्पथी का तकाजा है, फितरा एम्पथी एंड जस्टिस, ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही थी। आपने कभी किसी ने सोचा अभी तक कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की कहानी क्यों सुनाई हमें, क्या ताल्लुक है मेरा आपको, बता रहे थे कि आप आदम के बच्चे पहला बंदा था बस, पूरी स्टोरी क्यों सुनाई, कभी सोचा है? हजरत आदम के वक्त फरिश्तों का डायलॉग अल्लाह हमें क्यों बता रहे हैं, तुक्का ही मारे कोई, दिस इज अ क्वेश्चन एट योर एज यू शुड नो, योर 18 यू शुड नो दैट। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दुनिया में ना जितने भी गोरे साइकोलॉजिस्ट या यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट या एशियन चाइनीज साइकोलॉजिस्ट जापानीज एंड रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट जब आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व करने लगते हैं ना तो केमिस्ट्री में छलांग लगाते हैं। केमिस्ट्री क्या मतलब, मेरी आपकी जो केमिस्ट्री, माय हॉर्मोन्स, माय स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स they'll never go into the Bible because left or right की लड़ाई चल रही है और यूनिवर्सिटीज लेफ्ट के पास है, लेफ्ट का मतलब पता ना लिबरल्स के पास है, वो वाले लिबरल नहीं जो पाकिस्तान में हम लिबरल बोल देते हैं, असली वाला लिबरल जो कि मैं और आप दोनों हैं असल में, कि मुझे अपनी लिबर्टी चाहिए भाई, मैं एक फ्री इंसान पैदा हुआ हूं, मुझे अपने अपनी सोच को प्रैक्टिस करने दो, गलत हूं सही हूं बहस करके समझा दो, मान लूंगा नहीं समझाऊंगा तो अपनी मर्जी करूंगा, ये इसको लिबर्टी बोलते हैं लिबरल, हर मुसलमान लिबरल ही होता है। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट की बात बता रहा हूं, यूनिवर्सिटीज लेफ्टिस्ट के पास चलेगी, वहां पर उन्होंने कहा बाइबल हैबल नहीं मानते आप, ऑफकोर्स बाइबल क्यों मानेंगे वो, ठीक है, बिकॉज बाइबल एक्चुअली पुट्स द लॉ ऑन टॉप ऑफ यू, इट टेक्स अवे द लिबर्टी। सो उन्होंने इस वक्त यूनिवर्सिटीज में जितना भी पंप किया ना अपना पूरा का पूरा मवाद, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आइडेंटिटी चेक करनी है तो ह्यूमन बॉडी उठाएं, बॉडी की सर्जरी करें, केमिस्ट्री खोलें, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, मुझे पता है आई बिलीव इन दैट केमिस्ट्री, पुराने पाक ने उस केमिस्ट्री को आवाज खुली आयतों से दी है, फी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, तुम्हें आसमानों में भी दिखाऊंगा, इस समावाद वफी अनफुसिकुम, आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये किताब हक की किताब है, तुझे तेरे अंदर निशानी दिखाऊंगा कि तू क्या चीज है। अब वो केमिस्ट्री हमें नजर आ गई है, अभी मैं बताता हूं केमिस्ट्री, बट दैट्स अ लिटिल, अभी थोड़ा सा पार्ट करते हैं साइड पे। रियल थिंग इज व्हाट इज द लेफ्ट साइड सेइंग इन द प्लैनेट, दे आर सेइंग कि हमें केमिस्ट्री नजर आ गई है, यस सही नजर आई है उनको, कैसे मुझे पता है, मेरे पास तो दोस्त कैंसिल है ना, मेरे पास तो कुरान भी हदीस भी है, तो मैं स्टेंसिल से चेक करते रहता हूं न्यूरोबॉलॉजिस्ट को कि ये कहां तक पहुंचे, बिल्कुल सही पहुंचे हो।
दे सेड कि जरा ह्यूमन ट्रेजेक्ट्री को उठाओ, वो तो बंदर से लेके आते ना, तो ले आओ जहां से भी ले आओ, बंदे बंदे तक तो लेके आओ, बंदर से ही लेके आओ बेशक। केमिस्ट्री में क्या आवाज आ रही थी, हु इज दिस, व्हाट इज दिस मशीन, मैं आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का एनालॉजी देके समझा देता हूं। ओके, कहां है कैमरा ताकि आपको ये फेसबुक लाइव पे सब कुछ समझ आ जाए। F-16 का जहाज नाम सुना हुआ है, देखा हुआ है तस्वीरों में, यस खवातीन। वैसे मैंने नोट किया पाकिस्तान की खातून बिल्कुल ही मुबर्रा है काफी सारी इंफॉर्मेशन से। F-16 का पता आपको? ओके, MiG-22 तो लड़कों को मुझे पता होगा। सो F-16 पैसेंजर प्लेन है, ओके शोकर है, अच्छा ओके। A380 ये तो पैसेंजर प्लेन है ना, बोइंग क्या कहते हैं 747 पैसेंजर प्लेन है, यस यस यस। कौन है ये पाकिस्तानी खातून, डू नॉट डिप्रेस मी। ओके, आपको कैसे पता चला कि F-16 पैसेंजर प्लेन नहीं है? क्योंकि डॉक्टर कबीर खान ने बताया था। कैसे पता चला? एक बंदा खड़ा होकर बता दे, इस वक्त माजर खड़ा बेशक ना, हाथ खड़ा करके बता दे। जी सर, आपको कैसे पता है कि F-16 पैसेंजर प्लेन नहीं है? सीरियसली कॉम सर, सीरियसली खातून, कोई खातून बताए, कभी देखा ही नहीं, स्ट्रक्चर देखा ही नहीं, उसमें पैसेंजर नहीं देखे आपने? ओह माय गॉड, आइडेंटिटी क्राइसिस की क्लास बाद में लेंगे यार, पहले सीरियसली क्या नाम है बेटा आपका? सहर, आपने फाइटर से देखा F-16 को? F-16 नजर नहीं आता, पता फाइट के दौरान ऐसे गुजर जाता है। ओके, बात सुने ओ माय गॉड, मैं तो समझ रहा था कि अभी मैं बिल्डअप करूंगा, रोक की जाए मैं बता देता हूं, और डिप्रेशन में भी जाना चाह रहा। अल्लाह अकबर, शीरी मजारी का पता है आपको? इमरान खान कुरैशी, क्या नाम है पूरा उनका, शाह महमूद कुरैशी का पता है? गलत चीजों का पता है आपको और सही चीजों का पता नहीं आपको, सोचिए जरा आप, चलो कहां कहां की तरफ जा रहे हम, नवाज शरीफ इमरान खान में बिजली हो गए हम, काम की चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, दिस इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। और किसने अब्बू और अम्मी ने हर वक्त ARY GO लगाया हुआ था, नीचे पता नहीं था बच्चे की आइडेंटिटी क्राइसिस में जा रही है, सीरियसली बता रहा हूं, दीज पीपल आर नॉट वर्थ इवन अ सेकेंड ऑफ योर अटेंशन, यू आर दैट प्रेशियस टू मी। ये आपके 20 नहीं 20 जनरेशन जाया करेंगे, 20 साल नहीं जाया करेंगे लोग, ये ना सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि ये साइकोलॉजिकली करप्ट है। मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूं आपको, इनमें से कम अज कम 99% को, कम अज कम 99% को अस्पताल में होना चाहिए। मुझे तो 2-3 बीमारी भी पता है जो 5-7 बंदे नाम लिए उनको हैं भी, लिटरली चलते फिरते को डॉक्टर पकड़े तो अस्पताल ले जाएगा अगर किसी और मुल्क में पकड़े गए। इज एंडेंजरिंग अदर पीपल इन सोसाइटी। अगर नफसियाती बीमारियां नजर आती होती ना तो हम चीखे मार के भागते इस हॉल से, चीखे मार के भाग जाते, स्पेशली आप, डर आपको लगता है ना। F-16 पैसेंजर प्लेन इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप उसको देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक पायलट की जगह होती है और बाकी बम लगे हुए होते हैं, मिसाइल लगे हुए होते हैं उसमें। गूगल करें अभी F-16, दो पायलट, दो हो गए जी, एक पैसेंजर आ गया है, दूसरा पायलट उसको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, वो पैसेंजर नहीं है, ठीक है। इसको उड़ाने के करोड़ों रुपए लग जाते हैं और पैसेंजर प्लेन को उड़ाने के करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? तो जितना पैसेंजर प्लेन चलेगा उतना फायदा होगा और जितना F-16 चलेगा उतना नुकसान होगा। यस, पैसों का नहीं खाली, जानी नुकसान भी होगा क्योंकि मिसाइल गिराएगा, बम मारेगा, ठीक है। सो किसी एक मशीन को देखते ही उसका पर्पस समझ आ रहा था, तो F-16 को देख के आपको समझ आ रहा है कि सर ये फाइटर जेट है, इसको किसी मकसद से उड़ाएं, ऐसे ना उड़ाया करें। तो ये मेरी और आपकी मशीन देखे बगैर हमें सड़कों में फेंक देते हैं, मां बाप
सोचने से ये मशीन क्यों नहीं नजर आ रही किसी को? देर इज अ सर्टेन केमिस्ट्री दैट वी आर ऑल मैनिफेस्टिंग एवरी सिंगल सेकेंड. ये मशीन खास तरह का बिहेवियर हजारों साल से दिखाई जा रही है, दिखाई जा रही है, दिखाई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता. बेटा बस शादी कर दी है बड़े होके, इसलिए मशीन नजर, ये नजर आया आपको मशीन में, बाकी के पुर्जे भी हैं मशीन में. इस सबसे बड़ा पुर्जा यहां पे लगा हुआ है, आवाजें आ रही इधर से, देर इज अ प्रॉब्लम हियर. आपके लिए लड़कियों की बात नहीं हो रही, ये सब बीवियां ढूंढने आए हैं इधर. मशीन को समझ ही नहीं रहे आइडेंटिकल. अभी मैं खाली, अभी मैंने आपसे कहा ना, द रियल प्रॉब्लम इज नॉट इन साइंस. साइंस ने खाली सिम्टम, साइंस डज नॉट सॉल्व योर वाई क्वेश्चन. जो बहुत ज्यादा एथिस्टिक माइंड का बच्चा बैठा है ना क्लास में, और अपने आप को एग्निस्टिक हो गया, एंटेगनिस्टिक हो गया हूं सर मैं, और ये ना और होता है, वो है असल में आइडेंटिटी क्राइसिस. ओके, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मशीन को समझें एक दफा. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको भी समझा दूंगा मशीन. इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मशीन समझ आ गई हमें. देयर इज ए सर्टन वे योर मशीन इज बिहेविंग. दैट मीन्स कि जब F-16 उड़ता है तो फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन होती है, और हल्का सा भी कोई बटन दबाओ नीचे कोई धमाका हो जाता है, नीचे कोई शहर गांव उड़ जाता है. यस, F-16 में ऐसे ही होता है ना. तो इसका मतलब है द वे द मशीन बिहेव्स शोज यू द पर्पस. सो इट वॉज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर कि दिस मशीन इज गोइंग टू बिहेव अ सर्टन वे. अब आपको आधा समझ आ गया मेरा सवाल का जवाब, कि हजरत आदम की कहानी अल्लाह सुभान तआला क्यों सुना रहे हैं. ओके, फरिश्तों ने क्या कहा था कि या अल्लाह ये तो जमीन में जाके खून निकालेगा, दम का लफ्ज है, नीचे तो कोई मखलूक ही नहीं है जिसका खून हो, जिन और फरिश्ते चल रहे उस वक्त, खून कहां से निकालेगा? पहला बंदा बन रहा है, खून कहां से आ गया? मशीन समझे जरा, अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. कुरान पाक स्पीकिंग लाउड स्पीकर के ऊपर ही आयत लगी हुई है. अल्लाह ताला ने बताया पांच सूरतों में अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आदम का किस्सा रिपीट हो जा रहा है. सूरह हिजर, सूरह बकरा, आई मीन देयर इज सच डिटेल कि बार बार अल्लाह ताला रिपीट क्यों कर रहे हैं. आगे देखें कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्लाह ताला आगे बता के रहे, द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बींग इज बींग डिस्क्राइब्ड, द फिजियोलॉजी इज बींग डिस्क्राइब्ड. जब भी कुरान पाक में इंसान का लफ्ज आएगा वो साइकोलॉजी की आयत याद रखना. ओके, जिसको साइकोलॉजी और हिस्ट्री नहीं आती वो इस्लाम में कुछ नहीं लगता, वो कुरान पाक से कुछ नहीं निकाल सकता. साइकोलॉजी समझें और हिस्ट्री पढ़ें, तब आपको पता चलेगा हाउ डज दिस मशीन बिहेव. नाउ व्हाट इज दिस मशीन डूइंग फॉर यू. अब मैं थोड़ी सी मशीन एक मिनट के लिए खोल के बताता हूं, कोई लफ्ज समझ ना आए टेंशन नहीं लेनी आपने. जो मकसद बता रहा हूं और जो तरीकेकार बता रहा हूं, यहां पे व्हाइट बोर्ड है. ओके, दे इज अ वे यू आर ऑल गोइंग टू बिहेव. कितनी बड़ी ताकत है मेरे पास, मुझे ये पता चल गया अगले 10 सालों में आपने क्या क्या करना है. वो जो लाहौर इस्लामाबाद में नहीं नजूमी बैठे होते आपके साथ, ये होगा 99% बातें मैं आपको अभी बताता हूं सब क्या होगा. बच्चों के नाम तो आप लोगों ने सोच लिया अपने, मगर आपके साथ जनरली क्या होगा वो मैं बता देता हूं. आपने क्या पहनना है ये भी बता देता हूं, समझ रहे हैं? कितने देर के लिए पहनना ये बताता हूं, ये मेरे साथ हमारे साथ नहीं हुआ पहली दफा. ये अलेक्जेंडर का नाम सुना आपने? रियली? कौन है? आप तो शक हो गए ना, पूछना पड़ेगा जी. पीछे से कोई बताइए अलेक्जेंडर कौन है जी? अलेक्जेंडर, इस्कंदर, सिकंदर आजम कौन है भाई? कोई तो बता दे, पीछे से बताए ना क्या आवाज सब कर रहे जी. खातून जो आप बिल्कुल पीछे बैठी हैं, आप बताएं सिकंदर आजम कौन है? यस यस जी जी, मोबाइल देख रही थी इसलिए पकड़ी गई आप. नो आइडिया, सीरियसली यू डिड नॉट नो अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम नहीं सुना? सुन ले जरूरी. सिकंदर आजम अपने दौर का सबसे बड़ा नाम था, ठीक है? यस, अब अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर में आप इस वक्त हमारे केमिस्ट्री खोली हमने, और समझिएगा आप, आपको अभी पता चलेगा आप सबसे बड़ा इंडिकेटर है ह्यूमन केमिस्ट्री का खवातीन. अभी आपको स्पेसिमिन बना के बताऊंगा ताकि सबको समझ आ जाए
कि आइंदा आपने अपनी मशीन को समझना कैसे। और आपके साथ हुआ क्या, आपके साथ हो क्या गया, किसने किया भी पता चल जाएगा। सिकंदर आजम ने क्या किया, साहब जंगे लड़ी जीत गया, वो भी पता कहां तक आया था, पाकिस्तान बॉर्डर तक, मुल्तान आके वापस आ गया। मोहम्मद बिन कासिम कहां तक आया था, सिंध बॉर्डर से, वो भी भाग गया। यहां पे कोई बचते नहीं आगे, ताबून की फजा में सांस आना बंद हो जाता, लोग कहते हैं इससे बुरा कुछ नहीं भाई। ये कौन लोग हैं, जगजू कातिल लोगों को मार मार के आगे जा रहे, यहां कहते बस बस तुम जैसे बंदे, तुम ये बीमारी छूने से ना फैलती हो, भाग जाओ, हमें छोड़ के हर बंदा ही भाग गया। बारह सिकंदर आजम ने जो पहली कॉन्क्वेस्ट की थी ना, एंड द बिगेस्ट कॉन्क्वेस्ट इन द हिस्ट्री, दैट रियली चेंज द वे टुडेज गेम इज बीइंग प्लेड। आज की जो गेम खेली जा रही है उसका पहला इंडिकेटर क्या था, सिकंदर आजम ने सबसे पहले सबसे बड़ा मार्का मार लिया था, और वो था उसने रोम फतह कर लिया। रोम फतह होते ही एक छोटे सा जिला उनके अंडर आता था रोम के, जिस पे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस बताई हुई थी कि तुम्हारा साथ वही होना है, तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसे बदलनी है। आइडेंटिटी की हदीस सुना रहा हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, ओके, जुमे का खुतबा नहीं हो रहा है, और समझे इस बात को। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि बनी इसराइल जिस सुराख से गुजरेंगे तुमने भी उसी सुराख में अपनी एंट्री कर ली, वो दायां जूता है तो तू बायां जूता है, इस तरीके से रेप्लीकेट करोगे दूसरे को, ये नहीं कि तुम उनकी कॉपी करोगे, यू विल गो थ्रू द सेम थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू। सो खूबसूरती का डेल्टा बढ़ गया है, या किसने कह दिया छोटी हो या लंबी हो, पतली हो या मोटी हो, डेल्टा बढ़ गया। दो ही गेम्स खेले ना आप, अमीर होना चाह रहे हैं, खूबसूरत होना चाह रही है तो जन्नत की मखलूक ही ना, बेसिकली तो प्रोजेनी आदम अलैहिस्सलाम से आ रही है ना, आदम और मैं और आप जन्नत के लिए बने हुए हैं, दुनिया में तो फंसे हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी तो कहीं तो नहीं शेक हुई ना किसी की, वी वर मेड फॉर हेवन स्टक इन द प्लैनेट, के वहां पे जो तुझे प्रोजेनी अपना आप प्रैक्टिस करने को मिलेगा उसकी औकात बना पहले, शाबाश, पहले डिजर्व इट, देन विल सी इफ यू कैन डिजायर इट। सो आपको कहां से आ रही है ये ख्वाहिश खूबसूरत होने की, ये आपकी अंदर की केमिस्ट्री है। We are all the alphas of our own hierarchy of competences. इसको कहते हैं जन्नत। समझ आई जन्नत का मतलब, कि वहां पे मेरे अलावा कोई अल्फा नहीं होगा। This is what Jannah is. You will never be depressed because आपके ऊपर कोई होगा ही नहीं। All of your planet की है ना जन्नत, उसमें सब के सब आपकी मिमिक्री करेंगे। Natural serotonin की पीक है। गौर से समझें इस बात को, इतनी बड़ी मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई आपको, इसलिए बता रहा हूं, जिस दिन टॉम क्रूज ने धोती सलवार पहन ली, देखना, आई स्वेयर देखना, बस में ही नहीं हमारे, मेरी ना दाढ़ी की लेंथ इतनी है, बढ़ती नहीं है, नेचुरल होती, और मेरे सारे के सारे प्रोफेसर कहते होते थे, जो प्रोफेसर का मतलब यूनिवर्सिटी के नहीं थिंक टैंक्स के, फैशन कर रहे हो, उस वक्त किसी हीरो की दाढ़ी नहीं होती थी, अब जाके दाढ़ी फैशन में आ गई है, तो अब आई डोंट लुक वियर्ड टू देम, समझ रहे, सेरोटोनिन देखा कैसे काम करता है, पीपल ओनली से दैट यू आर वियर्ड इफ यू डोंट रिप्रेजेंट देयर अल्फा, यू आर द ऑड वुमन आउट इफ यू आर इन अ हाउस होल्ड और इन अ क्लस्टर और इन अ क्लास वेयर यू डोंट रिप्रेजेंट देयर अल्फा। Their identity is compromised. If you have to keep your own identity, then you only have one alpha. Samajh rahe hain baat? And that's the problem you have to solve. Agle bahut 2-3-4 saalon mein aapne solve kar li. Khuda ki kasam bahut mushkil hai. Kaise? Kyunki puri ki puri duniya ammi abbu samet aapke khilaf hai. Aur aapka to koi chakkar hi nahi na. आपको तो अपने बेडरूम से नहीं कोई बाहर आने देगा। कैसी लग रही हो, क्या पहना हुआ, कैसे चल रही हो, कैसे बात करती हो, इसका क्वालिफिकेशन कहां से आती है, क्योंकि लड़के वालों ने आना है। आप हैं क्या चीज, लोग बताएंगे कि आप क्या चीज हैं, एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट दिस, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, द प्रॉब्लम इज मुझे जो डिप्रेशन ये हो रही है, यू विल नॉट इवन ट्राई इट, यू विल नॉट इवन ट्राइड, बिकॉज एक ही बहाना होगा, सर आप आए ना जरा मेरी अम्मी के नीचे
आपको पता चले बातें करनी आसान होती हैं, बड़के मार रहे हो, तुम औरत होते तो तुम्हें बस जलता। यस, आपको बताऊं एक मर्द को क्या मसले, आपको कोई मसला ही नहीं है कंपेयर टू देम। ये सुबह उठेगा जब डिग्री हो जाएगी तो पूरा का पूरा खानदान इसको देखेगा कि बेटा चल शाबाश, जब तक तू एक खास नंबर प्रोड्यूस नहीं कर रहा और वो नंबर जाके खुल तरीके से 100% वापस भी बच्चों को भी नहीं फेंक रहा, तू इस काबिल ही नहीं है कि तुझे खानदानी कहा जाए। एवरीथिंग ही विल एवर मेक विल बी स्पेंट ऑन पीपल ही हैज नॉट इवन मेट येट। यू अंडरस्टैंड मी? विदाउट इवन ब्लिंक ऑफ एन आई ही विल हैव टू स्पेंड ऑल ऑफ इट एंड ही विल फील प्राउड ऑफ इट बिकॉज दैट्स द नेचुरल केमिस्ट्री ऑफ अ मैन। He was a natural giver. और जब पाकिस्तान मुसलमान मर जब सेल्फिश होता है ना, तब फरिश्तों के अंदर कह रखी बिजलियां नजर आती है कि यह कैसे हो गया, यह तो मशीन बनी नहीं थी, यह पैसेंजर प्लेन कैसे उठाना शुरू हो गई, यह सेल्फिश कैसे हो गया, इसको तो बनाई अल्लाह की फितरत पर गिवर था। सो बहुत ध्यान में रखें मुझे किस तरीके से मसले नजर आते हैं आप लोगों के, क्योंकि मैं आपकी स्टेज से गुजरा ना, इन्हीं ऑडिटोरियम में बैठ के मैंने भी लेक्चर अटेंड किए। You have to understand, nobody came to tell me कि गलत चल रहा है। Everybody said, बड़ा चीता आदमी है यार तू, ये बनाएगा पैसे, बड़ा चीता आदमी है, ये बात कर सकता है, he is going to be having charisma और fan following और this and that। अपनी अपनी गेम के अल्फा से मुझे रिलेट करा के पंप कर रहे थे, डोपामिन बढ़ा रहे थे, मेरी मोटिवेट कर रहे थे दो नंबरी के ऊपर, क्यों पता ही नहीं था दो नंबर है। तो सबसे ज्यादा गुस्सा तब नहीं आता कि कोई बंदा गलत बात कर रहा हो, गुस्सा तब आता है जब उसके ऊपर वो एरोगेंट हो जाए कि ये सही बात है, साइंस पता ही नहीं और लेबल पे लेबल लग रहे कि दिस इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये मेरा बेटा है, ये बेटा शाबाश, ये डिग्री हो गई इसकी, ये यहां पे जॉब हो गई। हर पाकिस्तानी को CSS कराने की सबसे पहली कोशिश की जाती है। सोचने जरा ये क्या बीमारी है, क्यों CSS से क्या होता है, पावर हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में ऊपर चले जाते हैं आप, ठीक है। पिछली जनरेशन मुझे ख्याल है काफी सारे चोर थे उसमें, क्योंकि उन चोर को पुलिस से डर लगता है ना, तो पुलिस में भेजना चाहते थे अपने बच्चों को, सिर्फ चोर ही है जो पुलिस में भेजेगा अपने बच्चे को, वरना क्या जरूरत है कि हाँ नहीं मर जाएगा लेकिन पुलिस में ही जाएगा, ऐसा भी और भी बड़े काम है, नहीं नहीं DMG CSS पुलिस में जाए, वाह Were you thieves, crooks? अब वो किस बात की हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस, पुलिस इज एक्चुअली द वन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, कहाँ है कैमरा, जिसको सारे के सारों को जेल के उस तरफ होना चाहिए जहां पे चोर रखे हुए उन्होंने, ये है हमारे पुलिस वाले। उस अपने बेटे को इस शोबे के लिए तैयार करूं, इस कल्चर में इस अल्फा बनाने के लिए, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट आइडेंटिटी मोरालिटी। आइडेंटिटी तो नीचे का लेवल है भाई, बेसिक्स है, मोरालिटी तो मतलब मैं अगर इमोरल हो जाऊं ना तो आप आधा सेकंड महफूज नहीं है मेरे से, ये पूछिए आपको तो नहीं तंग करते इतने, एक पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा तंग पुलिस वाला करता है, चलते फिरते पकड़ लेता बस। आइडेंटिटी क्राइसिस समझ आई कि भाई आप तो मेरे मुहाफिज थे, आपने तो वर्दी पहनी हुई है, आपसे मुझे क्यों डर लग रहा है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। He is confused his very identity. We are all afraid of the Pakistan police. देखता भी है तो लगता है कुछ चोरी की होगी जो देख रहा है, जिस तरीके से बात करता है, स्पेशली दाढ़ी वाले को तो ऐसे पकड़ता है, सूंघ रहा था एक दफा पता है मुझे पुलिस वाला, I swear, क्या कर रहे हो, and he was like, आपको नहीं पता, मैंने कहा मुझे पता है मगर इस काम के लिए दूसरे जानवर हैं, ये तुम्हें कब दे, एक कौन सी ट्रेनिंग मिल रही तुम्हें, आई swear to God, he was sniffing me। सूंघ के क्या चेक कर रहा था, ड्रग्स तो नहीं है, यही चेक कर रहा था, तो इस काम के लिए जानवर होते दूसरे, ये वाला जानवर तो नहीं उसके लिए। मुझे पता ना पुलिस वालों से मैं बरमला क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं, गट्स नहीं चाहिए होते, सेंस चाहिए होती है, चोर को ना कुछ भी कह दो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको पकड़ने का, इसलिए खुलेआम बोलते रहता हूं पुलिस के बारे में, इतने बड़े चोर है कस्टम्स वाले, वर्दी पहन के जो गलत काम करे ना, सही की वर्दी पहन के गलत करे उसको
हजार गुना ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज वो पूरी जनरेशन को कंफ्यूज करता नीचे। इसलिए मैं पेरेंट्स को बार बार कोसता रहता हूं कि आपको अल्लाह ने एक दर्जा दिया था, वट एवर यू आर गोइंग टू डू योर सन एंड डॉटर इज गोइंग टू फॉलो। केमिस्ट्री आपकी मशीन ही अल्लाह ने ऐसे बनाई, आपने उसको ऐसे कंफ्यूज करके हाइब्रिड मॉडल बना दिया, आधी जेनिफर है आधी मरियम है, यस आधा टॉम है। सो आप क्या समझ रहे हैं डिग्री करने से क्या होगा? अब आपको पता चलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह बार बार क्यों सुनाई जा रही है, कि समझ लो तुम्हारी मशीन क्या है, समझ लो तुम्हारे साथ होना क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहूदियों के साथ जो हुआ तुम्हारे साथ होना ही होना है। अब उन्होंने एम्फीथिएटर ना ला, आपने नेटफ्लिक्स ला लिया। अब आप मुझे खुद बताएं नेटफ्लिक्स देखेंगे तो क्या नजर आएगा, बताएं बताएं। साहब ने नेटफ्लिक्स देखा है, क्या हो गया, क्या नजर आता है बताओ। यस यू गेट टू सी के अल्फा कौन है, कौन ज्यादा हायरार्की में ऊपर है, दैट्स इट। हु इज कूल, किसको आप कूल बोलते हैं ना, हु इज कूल, नेटफ्लिक्स से पता चलता है उसको। आप तो ये हालात हो गए कि एक लड़की दूसरी लड़की से कहती तूने डार्क नहीं देखा हुआ, पेंडू औरत। मतलब आगे का लेवल है, अलेक्जेंडर ने भी सोचा था ये कि ये पीएचडी कर लेंगे कि डार्क नहीं देखने से पेंडू कैसे होगी। मैंने ट्रेवलर्स देखा हुआ है इसने डार्क नहीं देखा, और क्योंकि डार्क में क्या होगा, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवलिंग है ना, तो डार्क नहीं समझ आया, तो इंटरस्टेलर समझ नहीं आई, कोई बात नहीं तो शाहरुख खान देखा कर इंटरस्टेलर। कॉम्पिटेंस के अंदर मुकाबले देखें जरा, दिस इज हाउ सेरोटोनिन वर्क्स, दिस इज ए केमिकल प्रोसेस एवरी वुमन गोज थ्रू फॉर आवर ओन रीजंस, पर्पस अलाइनमेंट से, और एवरी मैन गोज थ्रू फॉर हिज ओन रीजंस। दिस इज हाउ आई आइडेंटिटी इज लिटरली कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, होलोग्राम की तरह अपना आप नजर आता है, अगर आपको समझ आ जाए। अभी तक ज्यादा डिटेल में जाना, अभी तक समझ आ गई सबको? आप ये बताएं, इफ आई हैव टू जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, आया हूं सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं बता देते, सोल्यूशन भी तो बताना है, तो सोल्यूशन के लिए एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट है बेटा, स्पेशली गर्ल्स, शॉर्टकट है कि आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाएगी। क्राइसिस से निकलना तो पूरा ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है, पूरी ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है क्राइसिस से निकलने के लिए। जीरो सेट रीसेट बटन तो है नहीं आपका, एक्चुअली में है, बट उसके लिए एक घंटे का सेशन, दो घंटे का नहीं, वो तीन चार हफ्ते लगेंगे। मैं आपको एक खास बीज दूंगा, वो अपने जहन के अंदर डाल के उसको पानी देना है, उससे नीचे के सारे जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, और आप जीरो जीरो रीसेट हो जाएंगे, इतने जीरो रीसेट हो जाएंगे जैसे कि आप बिल्कुल अल्लाह के फितरा पे आ जाएंगे। हाउएवर दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, इस वक्त आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आनी चाहिए। सो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, अगर शॉर्टकट लगाना है आपने, वाकई में अपने सामने अपनी इज्जत कमानी है, जिसका उर्दू में मतलब, मैंने उर्दू में जुमला बोला ना, अपने सामने इज्जत, और आपको जुमले का मतलब ही नहीं पता क्योंकि आपने कभी मेजर किया ही नहीं कि मेरे सामने मेरी इज्जत है भी कि नहीं, क्योंकि अभी तक आपने यह सवाल नहीं पूछा इसका मतलब है आप अपने किसी ना किसी ग्रुप के सामने अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर सो लो कि आपको अपनी औकात बनाने के लिए भी लोगों की जबान चाहिए, समझ रहे? You have never spoken to yourself, do I respect this woman in the mirror or not? Or this man in the mirror? You've never asked this question. अंदर से सोते वक्त अकेले में भी आती होती है बड़े बड़े, you know, दो नंबरों को, हमें वो भी नहीं आती ये क्या मैं अपनी रिस्पेक्ट भी करता हूं कि नहीं। हम अपने अपने ग्रुप से पूछ रहे होते हैं, अगर वो कहता ना यार ये बंदा ठीक है, या तू आ जा बैटिंग तू कर ले, अच्छा ठीक है, इसका मतलब मेरी को इज्जत है। या क्रिकेट टीम जब बन रही होती है ना लड़कों की, तो जो पहले दो तीन पिक होते हैं ना वो सेरोटोनर्जिकली हाई होते हैं, और जो एंड में दो बच्चे होते हैं ना जो ना इस टीम में पिक किया गया, उस टीम में पिक किया गया, आपके साथ ऐसा नहीं होता ना, और गेम में होता होगा, लड़कों के साथ तकरीबन रोज ऐसे होता है। सो व्हाट यू नो व्हाट दे डू, दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, जो एंड में दो बच्चे होते हैं, कि हम दोनों एक जितने नकाराए रिलेट करते हैं फिर एक दूसरे से कि चल तू भी जीरो मैं भी जीरो, और वो क्या करते हैं बैठ के दोनों सिगरेट पी रहे होते हैं, ये देख गंजा अपने आप को बॉलर समझ रहा है।
अंडरस्टैंड, हर बंदे की अपनी टेक्निक होती है अपने आप को दिलासे देने की. कैसे दिलासे देते हैं? अगले बंदे की बुराई शुरू कर देते हैं रादर देन अपने आप को लिफ्ट करने के. अब चला अबू उबैदा बिन जरार ने क्या कहा था, यू नेवर टॉक अबाउट योर सेल्फ विद योर सेल्फ, यू ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल विद योर सेल्फ एंड पीपल टॉक अबाउट पीपल विद पीपल एंड दैट्स व्हाट सूरह हुजरात इज सेइंग. के लोगों के ऊपर तजस्सुस बंद करो, बदगुमानियां बंद करो, टोल लगानी बंद करो. तीनों आयतें सुनाई आपको मैंने. तुम अपने आप को इस लेवल पे करप्ट कर दोगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम खुद कौन हो. यू आर नॉट इवन गोइंग टू आइडेंटिफाई टू योर ओन सेल्फ इफ यू आर ऑल अबाउट पीपल. दैट्स व्हाई आई कीप लुकिंग एट द गर्ल्स. आपके ऊपर इतने सारे पहरे हैं कि तू खुद ना पहचान नहीं अपने आप को, वरना तेरी तलाक हो जाएगी. लिटरली अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो तलाक कैसे होती है? कैसे होती है? जब एक बंदी कहती है ये अंकिल अंकिल ये काम गलत है, ये तो बर्दाश्त नहीं होता ना. यस, ये तो बर्दाश्त नहीं होता. किससे बर्दाश्त नहीं होता? अंकिल से. क्योंकि आप हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में लो हैं. किसने बताया? अंकिल की अम्मी ने. समझ रहे? यू हैव टू फाइट टू बैटल एट द सेम टाइम. यू हैव टू फाइट अ वे बिगर बैटल. क्योंकि किसी शक में ना रहिएगा, आपने भी दो लड़ाइयां लड़नी है, एक तो बॉस से और एक बीवी से. और पाकिस्तानी मर्द के तो ये हालात हो चुके हुए हैं कि पाकिस्तानी घर के डोमेस्टिक हाउस होल्ड में हिस्ट्री ऑफ आदम असलाम के बच्चों में पहली दफा हुआ है कि बीवी अल्फा हो गई है. बीवी बताती है क्या पहनूंगा, बीवी बताती है कब जाऊंगा, कब आऊंगा, किससे बात करूंगा. उधर क्यों देख रहे थे? सो ये वाली कहानियां मेरे आगे नहीं चलेंगी बेटा, कि मेरा शोहर इस्लाम के असूलों पे पूरा नहीं उतरता. आपने कहा था तलाक, आपने कहा था आइडेंटिटी, ठीक है. क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने शोहरों को नकेल डालनी है ना, वो जो ताकत चाहिए थी ना, वो असल में असूलों के ऊपर लगानी थी, अपने सेल्फिश तकाजों पर नहीं लगानी थी. बट यू आर गोइंग टू बिकम दैट पावरफुल माइटी शी वुमन व्हेन इट कम्स आउट टू शोहर. कह रहा दूसरी शादी कर लू, दिखाती हूं तुझे बेटा दूसरी शादी. और जब शोहर कहता है बेटा मेरी मां की भी खिदमत कर लू, अल्लाह ने मना किया हुआ है, मैं मजलूम हूं, तेरे भाई तलाके करवाना चाहते हैं मेरी, ये वो. हर चीज में आपको अपनी मजलूमियत नजर आएगी, सिवाय जब वो दूसरी शादी की बात करेगा. ऑल ऑफ अ सडन पर निकलेंगे, शिकार के लिए जाएंगी, कोर्टों में पाई जाएंगी कि इसकी औकात. वो तो उस वक्त कहां थी वो ताकत? वो आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए वो ताकत चाहिए. यू नीड टू नो दैट यू हैव दैट पावर. आई डिड नॉट टेक इट अवे फ्रॉम यू, आई स्वेयर टू गॉड, फादर योर फादर डिडंट टेक इट अवे फ्रॉम यू, दे जस्ट कंटेन्ड इट. Nobody can take away the power. वो अल्लाह ने दी हुई आपको. और वो पावर सिर्फ और सिर्फ उन चार पांच असूलों की जो आपको बता दिए. अगर आपने उन पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आपको तो हर बंदा अल्लाह करे इस्तेमाल करे. क्योंकि हमें इस्तेमाल करने वाली मखलूक भी तो चाहिए होती है, काम भी लेने होते हैं हमने. अल्लाह करे आप हर जगह पर, हर अस्पताल में, दफ्तर में, पुलिस में, घर पर इस्तेमाल हो रहे हो फिर. बिकॉज यू आर जस्ट रग, पीपल हैव टू स्टेप ऑन यू. ईगो ट्रिगर हो रहा ना. या उसी लिए आया था. ओके, अगर आपने उसूल समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा सर आइडेंटिटी सिर्फ उसूलों पे होती है, उसके अलावा तो चाहे अबू जहल भी सीधी बात करे माननी तो पड़ेगी, चाहे शैतान भी सही बात करे. अबू हुरैरा को नबी सलाम ने कहा, शैतान ने जाके पहले एक बंदा आया मालिक नीमत पे, हजरत अबू हुरैरा कहता है कि आयतल कुर्सी पढ़ ले हिफाजत रहेगी. अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सलाम से बात की तो नबी सलाम ने कहा कि वो शैतान था जो तुझे ये बता रहा था, मगर बात ठीक कर रहा था. ओके, ये हदीस पूरी ऐसे. तो इसका क्या मतलब है? दैट इफ यू आर सेइंग द राइट थिंग, डजंट मैटर वेदर यूर गर्ल बॉय, डजंट मैटर वेदर यूर रिच और पुअर, डजंट मैटर वेदर यूर प्रिटी और नॉट, इफ यू आर डूइंग एंड सेइंग द राइट थिंग्स, योर आइडेंटिटी इज डेफिनेटिव आउट ऑफ योर प्रिंसिपल्स. बस ये असूल थे, ये हमें किसने बताए नहीं थे. हम समझते थे सर असूल तो वही सेट करेगा जो पावर में होगा. या करते ऐसे ही हैं, मिमिक्री भी दो नंबर बोने उन्हीं की कर रहे होते हैं, मगर आइडेंटिटी जिसकी क्लियर होती है वो खड़ा रहता है, सिंपल खड़ा रहता है कि सर ये तो गलत हो रहा है,
इसको आप लोग बचपन से लीडर कहते आए हैं। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने एक काम किया तो नारे लगने शुरू कर दिए आपके कि ये तो खड़ा हो गया तुम के खिलाफ। याद है ना जिन्ना साहब का नाम सुना मैंने, सहर कौन था जिन्ना, क्या किया था उसने, पाकिस्तान आजाद कैसे कराया था, वही तो क्या किया था उसने, वो मूवमेंट तो मुसलमानों में की थी, गोरे को क्या कहा था उसने। मुझे पता है टाइम खत्म हो गया सर, उसने कहा था नहीं नहीं उसने ये तो वो तो ठीक है, वो तो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट था। व्हाट डिड ही फाइट फॉर, ही फाइट फॉर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग। ही सर गलत को गलत ही मानूंगा मैं, आप ये जो असूल बना रहे ना मखलूत हुकूमत और ये वो सारा कुछ, ये हमारे राइट एंड रॉन्ग को कंफ्यूज कर देगी, मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी को करप्ट कर देंगे आप। हम लोग अंडर द सप्रेशन ऑफ हिंदू राज वही हेलेनिक ज्यूज बन जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी आइडेंटिटी के अंदर हमें अपना अल्फा चाहिए। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग सहर, इन दीज वेरी वर्ड्स मैं उसको कोट कर रहा हूं कि अगर मैं किसी और प्रिंसिपल्स और किसी और बुक के अंदर इस कौम को छोड़ गया तो इन्होंने ना मुसलमान रहना ना हिंदू रहना, ये करप्ट हो जाएंगे। ये इनकी राइट है कि ये अपनी सॉवरेनिटी ऑफ हिज ओन सेल्फ इंडिविजुअल को प्रैक्टिस कर सके। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई की उसने, आपकी और मेरी आइडेंटिटी के लिए। और कायद आजम और मेरे बीच में आके मेरी अम्मी आ गई, उन्होंने खैर खैर चल बेटा कपड़े ठीक पहना कर, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ।